मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कैसे करें के पार्ट टू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कैसे करें। अगर आप लोग शुरुआत से इसकी जानकारी चाहते हैं तो मैंने इसके लिए पहले से एक वीडियो बना रखा है, तो हमारा पार्ट वन वीडियो को ज़रूर देखें। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन या नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ज़रूर देखें। चलिए बिना देरी किए हुए काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक कर दें। सब मैं आप लोग को बता चुका हूँ, दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे 16:9 ही रखिए इसको, अगर YouTube के लिए एडिटिंग करना चाहते हैं और बाकी अन्य चीज़ों के लिए एडिटिंग करना चाहते हैं तो और कोई सा भी आप फ्रेम चूज़ कर सकते हैं, तो मैं यही रहने दे रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पे। तो नेक्स्ट करना है इसके बाद आप लोगों को। उसके बाद पहले आप लोगों को आज मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन का यूज कैसे करना है, ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आप लोगों को एक सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन पर खड़े होकर आप लोग एक वीडियो शूट कर लेना। उसके बाद आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ फिर किस प्रकार से इसका बैकग्राउंड को आप लोग हटाएंगे अपने वीडियो से और पीछे दूसरी फ़ोटो अच्छी HD क्वालिटी में आप लोग कैसे सेट करेंगे। तो मैं काफ़ी सारे फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं एक कोई सी भी फ़ोटो चूज़ कर ले रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं ये एक फ़ोटो है, इसको मैं चूज़ की ले रहा हूँ। इसकी यहाँ से लेंथ को बढ़ा देंगे ऐसे खींच करके और थोड़ा छोटा कर देंगे। उसके बाद फिर वीडियो के हिसाब से इसकी लेंथ को रखेंगे। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा अभी आ नहीं रहा फुल स्क्रीन पर, इस पर और क्लिक करेंगे, इस पर जाएंगे और इधर पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा और जूम हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा वीडियो। इसको इस प्रकार से कुछ रख देंगे, बराबर कर देंगे। स्क्रीन देख रहे हैं ना, इस पर आप लोग इस प्रकार बराबर कर देंगे। उसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर देंगे। आप लोगों को हरे पर्दे पे खड़े होकर एक अपना वीडियो शूट कर लेना है YouTube के लिए, कोई सा भी वीडियो जो आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो शूट कर लीजिएगा। फिर मीडिया पे क्लिक कर, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो चूज़ करके रखा है, शूट करके रखा है सॉरी, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लूँगा ऐसे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर यहाँ पर क्रोमा की एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, वीडियो क्लियर पे क्लिक करने के बाद देखिए ऐसे क्लिक किया लेयर पे, मैंने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन। तो यहाँ पे एक देखिए नीचे ऑप्शन बना हुआ है क्रोमा की, आप लोगों को मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसके लिए आप लोग काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके रखना है। अगर आपको जानना है कि लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को काइन मास्टर का कहाँ से मिलेगा जिसमें वाटर मार्क ना आ रहा हो, तो इसके लिए आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, काफ़ी सारे वीडियो बने हुए। मैं यहाँ पर जानकारी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे वीडियो पे इसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। यहाँ पे क्रोमा की को आप लोग क्लिक करिए, उसके बाद फिर इसको चालू कर दीजिए क्रोमा की ऑप्शन को। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सही से कट नहीं हुआ, तो हम इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। कोशिश ये कीजिए कि इसको आप लोग दिन की लाइट में काम कीजिए क्रोमा की वाला, इसमें अगर पीछे जरा से भी गड़बड़ी हो जाती है ना तो फिर वो वीडियो पे गलत दिखने लगता है। तो उसके बाद फिर ऐसे बढ़ा देते हैं, देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे शुरुआत पे। देखिए अब ऐसा लग रहा है कि मैं ये झंडे के बीच या मेरे पे झंडा है उसके सामने में बैठ के बोल रहा हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से मिल गया, मैं एक ट्यूटोरियल के रूप में इसको मैं बनाया था, जो ये वीडियो शूट किया हूँ थोड़ा सा, मान लीजिए कितनी देर का ये 11 सेकेंड का। तो आप लोग इसको अच्छे से शूट करिएगा बढ़िया, जहाँ से अच्छी लाइटिंग हो आपको। कोशिश ये कीजिए आप लोग कि दिन के उजाले में इसको शूट कीजिए ताकि HD क्वालिटी में आप लोग का वीडियो बन सके। मैंने रात में इसको शूट किया है, इसमें ग्रीन कलर का कहीं कहीं मेरे फेस पे दिख रहा है, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से फिर भी सेट हो चुका है। इसके पीछे कोई भी ब्लैक परछाई वगैरह ना आनी चाहिए, आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा कि ग्रीन स्क्रीन के सामने जो वीडियो बनाते हैं उसका बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपने जाना। अब इसके बाद आप लोग को एक मैं ऑप्शन बताना भूल गया था कि अगर आप लोग काइन मास्टर जो टेक्स्ट आते हैं उसको अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से चेंज करें। यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कोई सा भी टेक्स्ट लिख देंगे, मैं अपना यहाँ पर नाम लिखे दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कलर तो मैंने बता दिया था कि यहाँ से चेंज होगा, ये देखिए एक बार और देख लीजिए, कोई सा भी कलर यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। यहाँ देखिए कलर होगा, उसके बाद फिर
बैकग्राउंड भी बता दिया था पीछे का, ये बैकग्राउंड कलर है ना, लास्ट में ग्लो शेडो आउटलाइन टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग को दूर कर सकते हैं टेक्स्ट को और अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट पे क्लिक करना है, डबल ए बनाओ, उसके बाद देखिए काफ़ी सारे फॉन्ट आ जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं कोई अच्छा सा फॉन्ट चूज़ की ले रहा हूँ, मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसको चूज़ की ले रहा हूँ। देखिए लिख गया, इस प्रकार से हम फॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। और आप लोगों को एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएं तो किस प्रकार लगाएं, तो एक बात का आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग नए यूट्यूबर हैं और बाकी जो पुरान काफ़ी समय से काम कर रहे हैं वो उन लोगों को शायद सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो, वो लोग के लिए वीडियो है ही नहीं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है, एक नो कॉपीराइट म्यूजिक आप लोग को चूज़ करना है। देखिए अगर कोई भी आप लोग कॉपीराइट फिल्म का किसी भी गाना लगा देंगे, किसी का सॉन्ग अच्छा लगे जो आप लोग उसको डाउनलोड करके लगाएंगे, तो आप लोग कॉपीराइट के अधीन होंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, नो कॉपीराइट म्यूजिक आप लोग कहाँ से मिलेगा, देखिए कुछ यूट्यूब में चैनल बने हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन उनके मतलब पूरी करने के बाद आप लोगों को उनका म्यूजिक यूज कर सकते हैं, तो आप ये सब शायद ना कर पाएँ। तो इसके लिए आप लोग को मैं सिंपल सा एक तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब जो डेस्कटॉप वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे जाइए, वहाँ पे नीचे ऑडियो लाइब्रेरी का एक ऑप्शन होगा, वहाँ से जो म्यूजिक होंगे उनको आप लोग सुन के देख लीजिए, जो अच्छी लगे उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने वीडियो में उन म्यूजिक को आप लोग यूज कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। चलिए मैं यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजिक डाउनलोड करके रखा हूँ, देखिए मैंने वहाँ से एक म्यूजिक निकाला था ये वाला सिनेमेटिक थ्रिलर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए ये म्यूजिक हमारी लग चुकी है। इसको अपने हिसाब सेट कर लीजिए जहाँ शुरू करना हो म्यूजिक को, उसके बाद अगर इसकी आवाज़ को आप लोग कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से देख लीजिए, पहले इस पे लेयर पे क्लिक करना है म्यूजिक वाली जो आपने सेलेक्ट किया था, उसके बाद ये माइक का ऑप्शन वाला इस पे क्लिक करना है, इसकी आप लोग अपने हिसाब से वॉल्यूम रख सकते हैं, 30 पे रखना है 30 पे रख दीजिए, अगर ज़्यादा हाई बढ़ाना है तो ऊपर को कर सकते हैं, इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं 200, बहुत तेज़ हो जाएगी, आप लोगों की वीडियो की आवाज़ भी सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आउटो वॉल्यूम है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आवाज़, तो जब आप लोग वीडियो की आवाज़ म्यूट करना चाहते हैं या किसी मतलब एक उसकी आवाज़ रखना चाहते हैं या तो म्यूजिक या तो वीडियो की आवाज़, तब ये ऑटो वॉल्यूम का यूज करें, ये सलाह देता हूँ मैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, सॉरी क्लिक नहीं करना, आप लोग को ऐसे ही आ जाइए और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे गोल चक्री बनी, इस पे लिखा है मीडिया लेयर ऑडियो रिकॉर्ड, इस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो आप स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं जैसे जो आप बोलते जाएंगे वही इसमें रिकॉर्ड होता चला जाएगा यहाँ से, तो इस प्रकार से आप मतलब कस्टम वॉइस भी अपनी डाल सकते हैं एडिटिंग के साथ में, मतलब ये आप लोग बोलते जाइए उस हिसाब से आप लोग की वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाएगी। उसके बाद इस पे क्लिक करके इसको आवाज़ वगैरह आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ऑटो वाले अच्छा लगे तो आप लोग चालू कर लीजिए, ना अच्छा लगे तो बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है रिवार्ड, इस पे क्लिक करके आप लोग को स्टूडियो पे लगा दें, इससे अच्छी आवाज़ आएगी। उसके बाद फिर इसी जो आपने रिकॉर्ड किया उस वॉइस पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग को वॉइस चेंजर नहीं लगाना, इससे आप लोग की आवाज़ ख़राब हो जाएगी जो आपने रिकॉर्ड किया है, इसी पे क्लिक करना है। इसके बगल में देखिए बड़ा माइक बना है, 3 ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए, EQ इस पे क्लिक कीजिए, इसमें R&B लगाइए, इसके बाद आप लोग को बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, बिल्कुल स्टूडियो पे रिकॉर्ड की हुई आवाज़ आप लोग के वीडियो में आएगी। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने हमारा ये पहला वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर मैं किसी अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।